आपके मैंने कुक करने रख दिया है दूध और ये घी में से चम्मच निकाल लूँ। अच्छा, जब जब मैं कुकिंग करता हूँ ना तो मैं बहुत फैलावा कर जाता हूँ। ये जैसा कि आप लोग अभी देख ही रहोगे कि फैलावे फैलावे हैं। मेरी आदत है कि मैं बहुत फैलावा कर जाता हूँ कुकिंग के अंदर ना अक्सर। यानी एक चीज़ बनानी होगी ना, अब जैसे घी का डब्बा मैंने उठा लिया तो अब जब तक ये चीज़ कबाब रेडी नहीं हो जाएगा, वो बन नहीं जाएगा, जब तक मुझसे वो चीज़ जगह पर नहीं रखी जाएगी। तो यार रोटियां वगैरह बन चुकी हैं और सीन ये है कि रोटी वगैरह तल ली है, कबाब वगैरह तल लिए। किचन का क्या हाल किया तुमने है? अबे यार वो फैल गया यार। तो मैं भी तो बनाता हूँ ना। सुहेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो एक और एपिसोड में कुकिंग आप लोगों का स्वागत है। अभी आपके मैंने कुक करने रख दिया है दूध और ये घी में से चम्मच निकाल लूँ। अच्छा, जब जब मैं कुकिंग करता हूँ ना तो मैं बहुत फैलावा कर जाता हूँ। ये जैसा कि आप लोग अभी देख ही रहोगे कि फैलावे फैलावे हैं। मेरी आदत है कि मैं बहुत फैलावा कर जाता हूँ कुकिंग के अंदर ना अक्सर। यानी एक चीज़ बनानी होगी ना, अब जैसे घी का डब्बा मैंने उठा लिया तो अब जब तक ये चीज़ कबाब रेडी नहीं हो जाएगा, वो बन नहीं जाएगा, जब तक मुझसे वो चीज़ जगह पे नहीं रखी जाएगी। इसी वजह से अक्सर कभी कभार मैं पापा से भी डांट खाता हूँ। और मेरी हरकतें तो देख के मुझे लग रहा है कि शायद कि मैं आज भी डांट खाऊँ उनसे। लेकिन यह कोशिश यही रहेगी हमारी कि हम डांट ना खाएँ। गैस अब प्रॉपर आना शुरू हो गई है। एक तो कराची में गैस का बड़ा मसला है और दूसरी चीज़ यह है कि JDC पे सहरी करने का ख्वाब ख्वाब ही रह गया हमारा। ये चिकन के कबाब मेरे लिए स्पेशल बने हुए क्योंकि मैं चिकन ज़्यादातर शौक से खाता हूँ। लेकिन टुडे सर मैंने अलगोसिया का पुलाव वगैरह ये सब खाना शुरू करा ना, जब से मैं बीफ के ऊपर वो हो गया। मैं बीफ भी अब शौक से ही खाता हूँ, लेकिन यह है कि घर वाले बाहर की बीफ खा ली जाती है, बीफ खा ली जाती है, बीफ का टिक्का बोटी खा ली जाएगी, बीफ के कबाब खा लिए जाएंगे। लेकिन अब जो है आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह बीफ प्रॉपर खा लेता है, वरना पहले मैं सिर्फ चिकन की चीज़ें ही खाता था। यानी बाहर भी कहीं जाते थे ना तो स्पेशल चिकन की बिरयानी, बीफ की बिरयानी अगर कहीं पर है स्पेशली खाने जा रहे हैं तो मैं नहीं खाऊँगा। मैं सिर्फ सादे चावल खा लिए कुछ, वरना मैं नहीं खाता। तो फिलहाल अभी यार इसको कुक करने में ना बड़ा टाइम लग जाता है और एक तो अंदाज़ा भी नहीं रहता कि यार ये पक गया है सही। मैं अक्सर जला ही देता हूँ, तुम लोगों ने शायद पहले भी देखा हो, हल्का फुल्का जल ही जाता है मुझसे ना। तो ये पुदीना इतना अजीब सा लग रहा है फिलहाल मेरे को, उसको हटा देते हैं यहाँ से। चल बे हट, पुदीने को सदा बाहर करो। अब मेरे को कुक करना तो आता नहीं है इतना कोई ख़ास, लेकिन फिर भी आपका एक कोशिश करता है कि यार चलो पापा सो रहे हैं तो सहरी खुद ही बना ली जाए। सवाब का सवाब भी मिल जाएगा, पापा भी खुश हो जाएंगे। यहाँ जब तक दूध जोश हो रहा है, इधर घी पड़ा हुआ है, इधर ये कबाब बनने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा है कबाब बन भी गया या नहीं, समझ से बाहर हो रहा है कबाब। अच्छा मैं ना यूँ चम्मच मार मार के चेक करता हूँ। हमारे अब्बा बना बना के प्रो हो चुके हैं तो दैट्स अ रीज़न कि वो उतना चेक नहीं करते, लेकिन आपका भाई बार बार चेक करता रहता है। और अब जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैंने इसका कचूमर तो बना ही दिया कबाब का, अब ये कबाब कम चपली कबाब ज़्यादा लगने लगा है क्योंकि लंबा बहुत हो गया। तो फिलहाल फटाफट से इसको बेक करते हैं, फिर रोटियां वगैरह तलते हैं और फिर सहरी के लिए उठाते हैं पापा को। तब तक थोड़ा सा वेट करो, फिर बनाते हैं बीच में ब्लॉग। ज़रा एक कबाब में निकाल लूँ उससे फ्राई पैन से, फिर तुम लोगों को दोबारा ब्लॉग में बना मिलता हूँ। तो वही फाइनली आपके यहाँ रोटियाँ वगैरह तलने का सेगमेंट शुरू कर दिया है और यहाँ पर आपके भाई का कबाब वगैरह बन चुका है और यहाँ पर जो है अपनी ब्लॉगिंग वगैरह भी चल रही है और साथ साथ जो है कबाब वगैरह भी रेडी हो गया है। अभी कबाब जब तक सहरी करने बैठेंगे ना तब तक ठंडा हो जाएगा। तो फटाफट से रोटियां वगैरह तलते हैं, इधर दूध भी होने वाला है, बिल्कुल जोश का आ ही चुका है ये भी। और पता नहीं बीच में हो गया ना बड़ा मसला हो जाएगा क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है और इस चूल्हे का ना वो भी टूटा हुआ है, ये भी मैंने ही तोड़ा था कुकिंग करते वक्त।
कुकिंग आपका भाई हमेशा प्रॉपर करता है, बस थोड़ा बहुत सामान फैला देता है वो एक अलग बात है, वरना कुकिंग में कभी कोई कमी पेशी नहीं होगी, कुकिंग प्रॉपर रहती है अपनी। अरे जल भाई सूख भी जाए यार, इसको सुखाना है तो बड़ा मुश्किल है। इसी प्लेट में रखता हूँ ताकि कबाब थोड़े बहुत गर्म रहे, निंजा टेक्निक है ये भी, एक सीख लो बाद में काम आएगी। ओ चल भाई यार जल्दी हो जा, तो यार फिलहाल रोटियाँ वगैरह चलते हैं, फिर तुम लोगों को मैं डायरेक्ट मिलता हूँ शहरी पे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं फटाफट बनानी है, फटाफट करना है, तो बस ये फटाफट करते हैं और मैं तुम लोगों को डायरेक्ट मिलता हूँ अभी शहरी पे। सो भाई ये दूध को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, तो फिलहाल आपके मैंने स्लो आँच पर बिल्कुल इसको संभाल लिया, सो भी जो इसमें चीनी पत्ती डालते हैं फिर चाय का पानी रखते हैं। सो यार फाइनली शहरी वगैरह अलहमदिल्ला कम्प्लीट हो गई, आपके मैंने बना लिया पूरी शहरी वगैरह, और सेम इसको जैसा है कि यार ठंडे पानी की बोतल, और यहाँ आपका भाई फुल गर्मी वगैरह लग रही है, अभी कैपेसिटर चेंज करा जबकि पंखे का, लेकिन उसके बाद भी ना ये देख रहा हूँ ये रहा कैपेसिटर, ये पुराना है, ये जल गया था या पता नहीं क्या था, अंबर का है ये, अभी रुखसाना का लगाया, अब दूसरा जो लगाया ना, तो फिलहाल जस्ट किडिंग गाइस। सो सीन ये है कि ये माइक ने बड़ा साथ दिया था मेरा वीडियो में, लेकिन ये माइक की स्टोरी मैं तुम लोग को बाद में सुनाऊंगा, अभी जब रमजान वगैरह चल रहे मैंने चलो तुम लोग को एंटरटेनमेंट करवा ही दिया, कंटेंट वगैरह कुछ थोड़ा सा तुम लोग को स्टोरी टेलिंग जो है वो किसी रमज़ान के बाद ईद वगैरह के बाद सुकून से करेंगे, तुम लोग को सुकून से बताएंगे चीज़ें किस तरीके से हमने अचीव करा था, क्या क्या सीन हुआ इसके पीछे, चीज़ें शूट हो चुकी हैं लेकिन तुम लोग अभी नहीं बता रहा क्योंकि लंबी होती है, पर वो वीडियो बड़ा हो जाता सीन। तो फिलहाल सीन ये है कि अभी जो है हमने सहरी वगैरह रिटर्न कर लिया, पापा भी उठ चुके हैं, पापा भी यहीं उठ चुके हैं, और अभी जो है कुछ 4:25 है, तो हम लोग ये है कि सहरी वगैरह जल्दी कर लेते हैं, फिर ये है कि थोड़ी देर लेट पेट गए, फिर इबादत वगैरह कर ली यानी नमाज वगैरह पढ़ ली, फिर नमाज के बाद जो है सो जाते हैं क्योंकि सुबह पापा को भी जॉब पर आना होता है, मुझे भी जॉब पर जाना होता है, तो दैट्स अ रीज़न के जो है हम लोग ज़्यादा बीच में भी सो जाते हैं, लेकिन मैं यूँ जाग रहा होता हूँ क्योंकि यार अभी जो है रूटीन ये है कि मैं वहाँ से मार्ट से वापस आता हूँ, तो फिर जो है मैं तुम लोगों के लिए ब्लॉग वगैरह अपलोड करने लग जाता हूँ, एडिट वगैरह करने बैठ जाता हूँ, शॉर्ट्स रील वगैरह एडिट करने बैठ जाता हूँ, तो काफ़ी सारे काम होते हैं जिसकी वजह जो है मैं नहीं या नहीं कर पाता, तो फिलहाल अभी जो है सरी वगैरह रेडी हो गई है, और अभी ये वाली घड़ी तो खैर हमारी ख़राब चल रही है, लेकिन ये है कि सरी वगैरह रेडी हो गई, सरी वगैरह लगाते हैं और फिर बैठते हैं डायरेक्ट सरी खाने। तो यार रोटियां वगैरह बन चुकी हैं और सीन ये है कि रोटी वगैरह तल ली है, कबाब वगैरह तल लिए हैं। किचन का क्या हाल किया तुमने? है तुमने? अरे यार वो फैल गया यार, तो मैं भी तो बनाता हूँ ना। जी जी सही बोल रहे हैं। फिर तो यार वही सीन हो गया जो सोचा था मैंने, पापा ने थोड़ा सा डांट दिया है, तो फिलहाल एनी वे सहरी वगैरह करते हैं और सहरी के बाद देखते हैं बाकी के सीन्स क्या हैं, तो फिलहाल जो है अभी सहरी वगैरह करते हैं, और तुम लोगों से बहुत एक सीन भी बताऊंगा कि क्या सीन है, अभी सहरी करते हैं सहरी के बाद तुम लोगों से मिलता हूँ। सो यार मैंने रेडी वगैरह हो चुकी है, मार्ट वगैरह जाने के लिए लेट हो चुकी है, सो फटाफट से निकलते हैं मार्ट के लिए, बाकी सारी चीज़ें वहाँ जाकर डिस्कस कर लेंगे, वहाँ से आगे डिस्कस कर लेंगे, अभी फिलहाल लेट हो रहा है सो फटाफट से निकलते हैं मार्ट के लिए। पहले जो है हम लोग जा रहे हैं दौर की नमाज़ पढ़ने, और सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हर कोई हमें घूर घूर के देख रहा था, फिलहाल अभी चलते हैं हॉस्पिटल डाला, फाइज भाई का डाला, दिस इज फाइज डाला, ऐसे है कि पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल, लोग ऐसे देख रहे होंगे जस्ट लाइक अ वाओ, वेरी ब्यूटीफुल वाओ, सीन्स कुछ ऐसे हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल देख रहा हूँ पूरा हॉस्पिटल, इस टाइम पर हम ही देख रहा है सिर्फ, और हम ब्लॉग बना रहे हैं, हर लड़की गुजरती हुई, हर लड़का गुजरता, लेकिन आपके भाई का फोकस सिर्फ यहाँ पर है क्योंकि रोज़ा है अभी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ीद आ गई, मज़ीद चलता है। तो यार फाइनली बैक टू अवर होम, और सीन्स की वजह से यार अभी जो लाइट वगैरह गई हुई है, तो सीन ये है कि अभी जो है गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लाइट वगैरह भी गई हुई है, थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और जो है गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो आपका भी घर वगैरह आ चुका है, अभी लाइट वगैरह ऑन करते हैं, मगर अभी लाइट है नहीं, तो जब जैसी लाइट आएगी वैसे ही पंखा वगैरह ऑन हो जाएगा, सो अभी भी मैं जस्ट आगे फ्रेश वगैरह हूँ, मैंने मतलब ब्लॉग वगैरह बना लिया था, तो घर में आ गया, सबसे पहले मेरी नज़र पड़ती है फैसल कुर्सी पर जो मैं रोज़ाना का मामूल बनाया हुआ है, जो मैं पढ़ता हूँ, तो आप सब भी पढ़ सकते हो, तो फिलहाल जो है सब पढ़ लिया करो भाई, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा मुफीद है, हर चीज़ से प्रोटेक्शन रहती है आपकी, तो फिलहाल जब भी गरबा कर आ गए फ्रेश वगैरह होता है, पहले फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर तुम लोगों से मिलता हूँ, थोड़ी अपलोडिंग वगैरह करनी, लाइट वगैरह आ जाए, रेस्ट वगैरह करने, फिर तुम लोगों से दोबारा मीटअप करता है। नमाज असर और सीन ये है कि फ्रेश वगैरह होकर सो गया था, ब्लॉग वगैरह एडिट कर लिया था, अभी चलते हैं नमाज असर के लिए, नमाज असर को अदा करते हैं फिर मिलते हैं। फिलहाल नमाज असर पढ़ के घर आ चुके थे, एक शूट था पूरा क्रिकेट के ऊपर,
तो वो शूट भी हो गया मुकम्मल और अभी भी जहाज घर पर आया हूँ। अफ्तारी वगैरह रेडी हो रही है और अफ्तार का टाइम हो चुका है, 6:37 हो रहे हैं, 6:44 या 45 पर रोज़ा है। तो फिलहाल एनीवेज अफ्तारी का वेट करना, फिर डायरेक्ट बैठेंगे अफ्तारी पे। तो यार फाइनली जो अफ्तारी वगैरह लग चुकी है, अफ्तारी का टाइम हो चुका है। अच्छा यहाँ पे करता हूँ मैं स्लॉग पॉइंट। होप यू गाइस विल एंजॉय दिस वीडियो एंड एवरी मोमेंट्स ऑफ दिस व्लॉग। सो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपने बहुत सारा ख्याल रखो और इसी तरीके से आपका कोई वगैरह करता रहेगा। पापा से डांट पड़ गई तो खावा खैर वाली बात, लेकिन जो है बस अब अफ्तारी वगैरह करने बैठते रहो। अफ्तारी वगैरह करते हैं, बाकी पकौड़े वगैरह आ रहे हैं। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्लॉग पॉइंट। अपना ख्याल रखना, सब्सक्राइब करना, मज़ा आया तो। बाकी अल्लाह हाफिज़।